अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। फ्रेंड्स, मैंने सोचा कि आज मैं आपको कुछ नए प्लांट्स जो मैं नर्सरी से लाई हूँ वो आपको दिखाऊं और उनके नाम भी बताऊं। तो फ्रेंड्स, ये मैंने जो आपको पर्पल कलर में दिखाया है, ये पर्पल हार्ट प्लांट था। फ्रेंड्स, ये मैक्सिकन पेटूनिया है। ये फ्रेंड्स बेजिल प्लांट है, जो कि अब इस पर सीडलिंग भी स्टार्ट हो गई है, इस पर बीज बनना शुरू हो गए हैं। तो आप इसको सीड्स के ज़रिए भी बासानी ग्रो कर सकते हैं। जब ये सीड्स ड्राई हो जाते हैं तो आप इनके सीड्स को ऐसे मिट्टी पर बखेर देते हैं, तो बहुत सारे आपके एक प्लांट से बहुत सारे प्लांट्स बन जाते हैं। नीचे मैंने कुछ इनकी डेकोरेशन की थी प्लांट्स की, कि उनके अंदर एग शेल रख दिए थे सॉइल के ऊपर, तो बहुत प्यारे लगते हैं जब साइड्स पर एग शेल रखे होते हैं तरतीब से। फ्रेंड्स, ये मेरा बोगनवेलिया का प्लांट है, जो कि मैंने कटिंग के ज़रिए ग्रो किया था। काफ़ी सारे मैंने कटिंग ग्रो की थी, 4-5, और वो सारी सक्सेसफुल हुई हैं और काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो रही है। फ्रेंड्स, ये गुले मरवा के प्लांट्स हैं, जो कि मैंने अभी रिसेंटली रिपोर्ट किए हैं और अच्छे तरीके से ये एडजस्ट हो गए हैं अपने नए प्लांटर में। फ्रेंड्स, ये गार्डिनिया का प्लांट है और इसके साथ ही क्रिसेंथिमम मैंने लगाया था। क्रिसेंथिमम की कटिंग लगाई थी और काफ़ी अच्छे तरीके से वो भी ग्रो हो गई हैं। आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े प्लांट्स बन चुके हैं और इनमें विंटर के सीज़न में फ्लावरिंग होगी। येलो कलर के खुशबूदार फूल इन पर खिलेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त इनकी खुशबू होती है शाम के वक्त। बहुत अच्छा लगता है इनकी जब खुशबू फैल जाती है पूरे गार्डन में, और मैंने काफ़ी सारे क्रिसेंथिमम के प्लांट्स अपने गार्डन में लगाए हुए हैं। फ्रेंड्स, ये कैक्टस है, उसके साथ भी क्रिसेंथिमम की एक कटिंग लगी हुई है, और क्रिसेंथिमम की कटिंग फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा फैल जाती है, साथ इसके बेबी पप्स भी निकलते हैं काफ़ी सारे। ये देखिए, इसके साथ ही भी मैंने एक्शेल की ड्रेसिंग की हुई है, साथ साथ एक्शेल बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, तरतीब से मैंने रखे हैं। मेरे पास जितने भी रोज़ाना एक्शेल निकलते हैं वो मैं अपने प्लांट्स में इस तरह से सजा लेती हूँ। और फ्रेंड्स, ये मेरे पास कैक्टस है जिस पर फ्लावरिंग हुई थी, मैंने आपको वीडियो भी शेयर की थी उसकी, और बहुत ज़बरदस्त इस पर फ्लावरिंग हुई थी। ये है यूफोर्बिया मिली की प्लांट्स फ्रेंड, और इनकी फ्लावरिंग का सीज़न भी अभी स्टार्ट होने वाला है। अभी तक तो सिर्फ इन पर पत्ते ही निकल रहे हैं और काफ़ी ग्रीन ये प्लांट है, बहुत ज़बरदस्त लगता है। फ्रेंड्स, ये एमेरिलिस के प्लांट्स हैं, इन पर भी अभी तक फ्लावरिंग नहीं हुई है। ये मैंने बल्ब के ज़रिए लगाए थे और 50-50 रुपीज़ के मैंने दो बल्ब लिए थे, और ये दो मुख्तलिफ रंगों में है, एक पर वाइट और एक पर पिंक कलर के फ्लावर खिलेंगे फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, ये बड़े प्लांटर्स के अंदर फाइकस लगे हुए हैं। ये फाइकस की डिफरेंट वैरायटीज़ हैं। ये गोल्डन फाइकस है ये वाले, जो दो छोटे प्लांटर्स में लगे हुए हैं, और थोड़े से इससे बड़े प्लांटर में जो लगे हुए हैं, ये ब्लैक फाइकस है, और इसके साथ फ्रेंड्स ये हिबिस्कस का प्लांट लगा हुआ है। हिबिस्कस के प्लांट पर भी बहुत ज़बरदस्त फ्लावरिंग हुई है गर्मियों के सीज़न में, और अभी तक इस पर काफ़ी ज़बरदस्त फ्लावरिंग हो रही है। काफ़ी बड़ा हो गया मेरा हिबिस्कस का प्लांट। और ये फ्रेंड पिटोस्पोरम है, इसकी मैंने रिपोर्ट किया था बड़े पॉट के अंदर, लेकिन सॉइल उस पॉट के अंदर अच्छी नहीं थी मुझे लगता है, जिसकी वजह से इसकी ग्रोथ रुकी हुई है अभी तक। तो मैं अब इसको दोबारा से रिपोर्ट करूँगी, सॉइल चेंज करूँगी कुछ दिनों के बाद। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने मनी प्लांट की कुछ कटिंग लगाई थी, बहुत शदीद गर्मी में भी वो कटिंग्स चल रही हैं। मैं तो इस वजह से हैरान हूँ कि कैसे मनी प्लांट गर्मी में, कहते हैं बाहर धूप में डायरेक्ट सनलाइट में सर्वाइव नहीं करता है, लेकिन मेरा सर्वाइव कर रहा है। बहुत छोटी सी कटिंग थी और बहुत अच्छे तरीके से ग्रो हो रही है। फ्रेंड्स, ये एलोवेरा के और पीछे इसकी कटिंग लगाई थी मैंने बोगनवेलिया की। फ्रेंड्स, ये है मेरा प्लांट, जो कि एक ट्री के मैं छोटे छोटे पौधे लाई थी, सुख चैन के, जी हाँ, सुख चैन का ये पौधा है जो एंड में आपको प्लास्टिक की बॉटल में नज़र आ रहा है। ये गुलची के पौधे हैं और साथ में मोतिया का पौधा लगा हुआ है। फ्रेंड्स, ये गुलची है और इस पर वाइट कलर के बड़े बड़े खुशबूदार फूल खिलते हैं, जिनके सेंटर में हल्का सा येलो होता है। ये फ्रेंड्स हमारी बहुत सारी एलोवेरा के पप्स मैंने छोटे छोटे बेबी पप्स निकाल कर लगाए थे अपने बड़े प्लांटर्स से, और ये काफ़ी अच्छे ग्रो कर गए हैं और काफ़ी बड़े हो गए हैं। तो इनके लिए भी अब मुझे नए प्लांटर, बड़े प्लांटर लेने पड़ेंगे और उनमें लगाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, आपने ये ध्यान रखना है कि एलोवेरा के प्लांट्स को कभी भी आपने उसमें प्लास्टिक के प्लांटर में नहीं लगाना है। ये फ्रेंड्स हमारा ड्रायसिनिया यानी सॉन्ग ऑफ इंडिया का प्लांट है। ये हमारा कैना लिली है। कैना लिली का एक छोटा सा पौधा लिया था, आप देखिए इसके दो पप्स निकल आए हैं और काफ़ी बड़े बड़े, इनकी ग्रोथ भी काफ़ी ज़्यादा हो गई है। ये हमारा बड़ा वाला एलोवेरा है और बहुत बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसकी ग्रोथ हो रही है, बहुत हेल्दी, और बड़े बड़े इसकी बड़ी बड़ी ब्रांचेज हैं। फ्रेंड्स, ये हमारा ब्लैक जेट्रोफा का प्लांट है, इस पर भी बहुत ज़बरदस्त फ्लावरिंग हो रही है। फ्लावरिंग, अब फ्लावर इसके सूख चुके हैं क्योंकि फ्रेंड्स ये डायरेक्ट सनलाइट में रखा हुआ था, और मैंने साथ में इसकी कटिंग्स भी लगाई हुई हैं। ये हमारे कैक्टस के प्लांट्स हैं, कुछ कटिंग्स लगाई थी, देखिए कितनी अच्छी इस पर ग्रोथ हो गई है। रेड फ्लेम कैक्टस इसको कहते हैं, रेड टॉर्च कैक्टस, सॉरी। ये हमारे प्रिकली पियर कैक्टस हैं, और साथ पर स्लेन की कटिंग्स लगाई थी, बहुत ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने कवर किया है पूरे के पूरे प्लांटर को। फ्रेंड्स, इसके साथ हमारा अगेव का प्लांट है,
ये अगेव है, काफ़ी बड़ा है हमारा ये प्लांट। ये मैं रिसेंटली नर्सरी से लाई थी, 50 रुपीज़ का मुझे ये मिला था, छोटे से प्लांटर में लगा हुआ था और काफ़ी बड़ा था, तो मैंने इसे अभी नए प्लांटर में शिफ्ट किया है। ये हमारे पेंसिल कैक्टस की कटिंग्स हैं जो कि मैंने लगाई थी और ये बाहर की तरफ रखे हुए हैं मेन गेट के साथ। फ्रेंड्स ये देखिए, छोटी सी कटिंग थी 1-4 इंच की। फ्रेंड्स अब देखिए उसकी कितनी ज़्यादा ब्रांचेस निकल रही हैं। पेंसिल कैक्टस फ्रेंड्स पूरे एक दरख्त की शेप इख्तियार कर लेता है कुछ अरसे बाद, बहुत खूबसूरत लगता है। ये हमारा है जूनीपर का प्लांट और इसके साथ में रखा हुआ है हमारा कनेर का प्लांट। जूनीपर का प्लांट पर एक छोटा सा प्लांट लाई थी फ्रेंड्स, अब देखिए बड़े प्लांटर मैंने इसको लगा दिया था तो काफ़ी बड़ा हो गया। ये कनेर का प्लांट साथ में है जो कि मैं रिसेंटली लाई थी नर्सरी से, इस पर येलो कलर के बहुत खूबसूरत फूल खिलते हैं। ये है हमारा मोतिया के प्लांट्स हैं, काफ़ी हेल्दी प्लांट्स हैं और इन पर बहुत ज़बरदस्त फ्लावरिंग हो रही है। इसको जैस्मिन भी कहते हैं और जैस्मिन संबक भी कहते हैं और अरेबियन जैस्मिन भी इसको कहा जाता है। फ्रेंड्स इस पर बहुत लश ग्रीन इसके लीव्स हैं और ये प्लास्टिक के पॉट्स के अंदर लगा हुआ है। फ्रेंड्स जैस्मिन का प्लांट प्लास्टिक के पॉट्स में बहुत अच्छे से चलता है क्योंकि इसको हर वक्त सॉइल मॉइस्ट चाहिए होती है। साथ में सिल्वरी यानी सिल्वर डस्ट के प्लांट्स हैं, इनको सिल्वरी भी कहते हैं, उनकी भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ चल रही है। फ्रेंड्स ये मैंने काफ़ी सारे प्लांट्स मंगवाए थे इसके गुलची के। फ्रेंड्स गुलची एक पौधा है जिसे चंपा भी कहते हैं और बहुत खूबसूरत इस पर फूल खिलते हैं वाइट कलर के। साथ में आयरिसिन के प्लांट्स रखे हुए हैं, बहुत कलरफुल ये पौधा होता है और काफ़ी सस्ते में मिल जाते हैं। मुझे 100 के ये प्लांट्स मिला है, ये आयरिसिन का प्लांट मैं नया लाई हूँ। और इसके साथ में जो है ये रोज़ की एक रोज़ का प्लांट है छोटा सा, ये आयरिसिन के प्लांट्स को मैं करीब से आपको दिखाती हूँ कितने खूबसूरत इसके लीव्स का कलर होता है। ये हमारा छोटा सा मुन्ना सा रोज़ का प्लांट है जो कि मेरी भतीजी ने मुझे गिफ्ट किया है। ये देखिए ये एक छोटे से प्लांटर में लगा हुआ है, इसको भी अब रिपोर्ट करना होगा मुझे। फ्रेंड्स ये मैंने सीड्स लगाए थे गुले मरवा के और बहुत अच्छे तरीके से सीडलिंग जो है वो जर्मिनेट हो गए हैं। अब ये मैंने छोटे छोटे डिफरेंट प्लांटर्स में, बहुत सारे प्लांटर्स में इनको शिफ्ट करना है। इस प्लांट का फ्रेंड्स मुझे नाम नहीं पता है, ये मैंने एक छोटी सी कटिंग के ज़रिए लगाया था और ये मनी प्लांट की तरह ही ट्रेलिस के साथ ही ऊपर बढ़ता है। ये मनी प्लांट की ग्रोथ भी बहुत अच्छे से हो रही है जो कटिंग्स मैंने लगाई थी। ये देखिए ये पूरा प्लांटर ही भर चुका है। हमारा डीफन बाकिया अभी खुश नहीं है, डीफन बाकी का प्लांट है, ये रबर प्लांट है साथ में येलो प्लांटर के अंदर जो लगा हुआ है। फ्रेंड ये ब्लू प्लांटर में जो लगा हुआ है ये डिफरेंट बाकिया है और इसकी ग्रोथ बहुत स्लो हो रही है। रीज़न शायद ये है कि जो कुछ मट्टी जो है ना वो प्लांटर्स में मैं लेके आई थी नर्सरी से, वो मट्टी ठीक नहीं थी, वो चिकनी मट्टी थी और उसमें मैंने ये प्लांट लगा दिए थे और नर्सरी वाले ने ठीक मट्टी नहीं दी थी। रेतली मट्टी जो बालू मट्टी होती है, प्लांट्स उसमें बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करते हैं। ये हमारा ड्राई हो रहा था बिल्कुल, पत्ते इसके गंदे हो रहे थे, डस्ट थी काफ़ी इन पर, तो इसको साफ़ कर लेते हैं फ्रेंड्स मनी प्लांट के ऊपर। और रबर प्लांट के लीव्स को भी आप रेगुलरली साफ़ किया करें क्योंकि अगर साफ़ ना हो तो बहुत अच्छे नहीं लगते हैं प्लांट्स, क्योंकि ये इंडोर रखे हुए होते हैं और काफ़ी इन पर डस्ट पड़ती है। बाहर तो हम शावर कर लेते हैं, इंडोर इनको शावर नहीं हो सकता है, तो अब इनको इस तरह से हम स्प्रिंकलर बाहर ही होता है, अंदर तो हम बस इसी तरह से स्प्रे कर लेते हैं प्लांट्स को। बहुत गंदे हो रहे थे ये कटिंग्स भी और नीचे जो कटिंग्स लगाई हुई हैं उनके ऊपर भी आप थोड़ा थोड़ा पानी डाल देते हैं। फिर ये नीचे जो पर्पल कलर में छोटा सा रखा है, ये पर्पल हार्ट की कटिंग लगाई थी मैंने, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इसकी भी ग्रोथ चल रही है। अब मैं इसको बाहर शिफ्ट करूँगी, पहले मैंने इसे ज़रा थोड़ा सा इंडोर रखा हुआ था जहाँ इनडायरेक्ट लाइट इस पर पड़ती है। ये स्पाइडर प्लांट है, एक प्लांट लगाया था, आप देखिए 8-10 प्लांट्स हो चुके हैं और बहुत अच्छी सी ग्रोथ इसमें भी इसकी भी चल रही है। फ्रेंड्स इसकी रूट्स बहुत गहरी नहीं होती हैं इसलिए ये सर्वाइव छोटे से प्लांटर में भी सर्वाइव कर जाता है। फ्रेंड्स ये हमारे पर्पल हर्ट के प्लांट्स हैं और साथ में हमारी एलोवेरा के प्लांट्स लगे हुए हैं, बिग 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 प्लांट्स हैं ये, बहुत खूबसूरत तरीके से इनकी ग्रोथ हो रही है और ये अपने बोझ से ही गिरते जा रहे हैं। साथ में इनके बहुत सारे बेबी पप्स भी निकल रहे हैं। फ्रेंड्स ये नीचे जेड प्लांट की कटिंग लगाई थी और ये हमारा सकुलेंट प्लांट है, नाम मुझे भी इसका नहीं पता लेकिन बहुत प्यारा प्लांट है। ये जेड प्लांट है फ्रेंड जो ग्रीन कलर में आपको छोटे छोटे हार्ट शेप लीव्स में नज़र आ रहे हैं और ये जो आपको एक वेरीगेटेड वैरायटी में नज़र आ रहा है ये सकुलेंट प्लांट है। फ्रेंड ये सारे ही जो प्लांट्स हैं ये सकुलेंट प्लांट्स होते हैं, चाहे जेड प्लांट हो कैक्टस हो, इनको पानी की बहुत कम ज़रूरत होती है। ये हमारा मदर प्लांट है कैक्टस का, जिसमें से प्रिकली पियर कैक्टस बहुत सारे बेबी पप्स हमने अलग करके हम बीसियों प्लांटर बनाए हैं और बहुत खूबसूरत तरीके से इसकी ग्रोथ चल रही है। फ्रेंड्स ये मेरे बच्चे छोटे छोटे बाउल कप्स बॉटल कट्स कर करके उनके अंदर बोगनविल इसकी सॉरी
गुले दोपहरी की कटिंग्स लगा देते हैं, जिसे मॉस रोज भी कहते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारा जेड प्लांट है। नीचे ये पर्सलेन की कटिंग्स लगाई हैं बच्चों ने एक छोटे प्याले में, और बहुत ही खूबसूरत तरीके से इनकी ग्रोथ हो रही है। ये एक अमरूद का पेड़ है हमारे पास छोटा सा, जो कि हमने प्लांटर में लगाया हुआ है। उसकी बेस में बच्चों ने ये प्याला रखा हुआ है और इसके अंदर पर्सलेन और छोटा सा एलोवेरा का पल्प लगाया हुआ है उन्होंने। ये पीछे प्लास्टिक की बोतल कट करके हमने प्रिकली पेयर कैक्टस, जो अभी आपको मदर प्लांट दिखाया था, उसमें से कट करके लगाए थे, और अब इसके भी बेबीज़ बनना शुरू हो गए हैं। आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत तरीके से ये प्रिकली की पेयर कैक्टस बहुत तेज़ी से फ्रेंड ये घर में फैलता है। बहुत बहुत खूबसूरत लगता है जब इसके बहुत सारे पप्स निकलते हैं। ये हमारी गुले दोपहरी की कटिंग्स हैं जो कि ग्रो हो गई हैं, बहुत खूबसूरत लग रही हैं माशाल्लाह। और पीछे फ्रेंड्स हमने एलोवेरा के बेबी पप्स, ये बहुत ज़्यादा हो गए हैं मेरे घर में, एलोवेरा के पप्स बहुत सारे हमने लगाए थे और इनकी ग्रोथ माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे प्लांटर में ये अब ग्रो हो रहे हैं। और फ्रेंड्स साथ में ये जो हमारा प्लांट लगा हुआ है लेंटाना का प्लांट, ये हमारा अमरूद का प्लांट है और ये इसके साथ लेंटाना का प्लांट है जिसके अंदर गोल्डन पत्थर रखा हुआ है। बच्चों ने इसके ऊपर नेल पॉलिश से पेंट किया है पत्थरों के ऊपर, और एक पिंक कलर का एक गोल्डन कलर का है। फ्रेंड्स ये लेंटाना का प्लांट है, और इसके साथ ये है हमारा लेमन का प्लांट, और इसके साथ ये गोल्डन फाइकस, ये दोनों करीब करीब रखे हुए हैं। और काफ़ी छोटे छोटे पेड़ की इनकी शक्ल हो चुकी है, काफ़ी अच्छी ग्रोथ इनकी हो रही है इस बरसात के मौसम में फ्रेंड्स, और बहुत लश ग्रीन हमारा गार्डन हुआ हुआ है। और बरसात के मौसम में मैंने वैसे कम ही देखी थी अपने गार्डन में, तो बहुत ज़्यादा बटरफ्लाइज और दूसरे पॉलिनेटर्स भी आ चुके हैं। ये हमारा प्रिकली पेयर का जो कैक्टस है, ये हमने बेस में लगाया हुआ है फाइकस प्लांट की, और साथ में हमारी बहुत सारी पर्सलेन और मॉस रोज की कटिंग लगी हुई हैं, जो कि अब बहुत बड़ी हो चुकी हैं। और बहुत बड़ा ये 24 इंचज का प्लांटर है, और इन्होंने पूरे प्लांटर को कवर कर लिया है नीचे तक। फ्रेंड्स देखिए कितना लश ग्रीन हो गया हमारा फाइकस का प्लांट, और बहुत खूबसूरत तरीके से ये ग्रो कर रहा है फ्रेंड्स। क्योंकि बरसात के मौसम में मैंने इनको वही गोबर खाद वाला लिक्विड दिया था, तो इनकी ग्रोथ बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। साथ में हमारा हिबिस्कस लगा हुआ है, प्लास्टिक की एक स्प्रे की बॉटल खाली थी पेंट की, तो वो उसके अंदर हमने हिबिस्कस का प्लांट लगाया था। ये देखिए मैं आपको दोबारा करीब से दिखा दूँ पर्सलेन और मॉस रोज की कटिंग्स किस तरह से बड़ी हो चुकी हैं। ये हमारा हिबिस्कस का प्लांट है, ये भी एक छोटे से पेड़ की शक्ल इख्तियार कर चुका है, और इस पर बहुत बड़े बड़े फूल खिलते हैं। हिबिस्कस फ्लावर बहुत खूबसूरत पिंक कलर का इस पर खिलते हैं फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं। इस पर भी मैंने कटिंग लगाई थी मॉस रोज की बॉटल्स कट करके, और बहुत खूबसूरत लग रही हैं ये भी। इन पर बहुत ज़बरदस्त फ्लावरिंग होती है दिन में फ्रेंड। ये हमारा तरबूज का पौधा उगाया है, हमारी हमीलिया की कटिंग इस प्लांटर के अंदर, इस गमले के अंदर मैंने लगाई थी। हमीलिया की फायर बुश भी जिसे कहा जाता है, वो कटिंग भी बहुत अच्छी तरीके से मैं अभी आपको शो करूँगी कि ग्रो हो रही है। और साथ में ये हमारा तरबूज का जो है पौधा, और ये साथ में जो है ये अग का पौधा इसे कहा जाता है, ये खुद ब खुद एक छोटे से प्लांटर में ग्रो हो गया। और इसके साथ ये हमारे तरबूज की जो बेल है वो लिपटती जा रही है और काफ़ी दूर तक पहुँच गई है। देखिए फाइकस तक भी इसकी ब्रांचेस पहुँच चुकी हैं, और ये खुद ब खुद ही सारी ब्रांचेस के साथ अटैच हो चुकी है ये तरबूज की बेल। बहुत बड़े बड़े इसके लीव्स होते हैं, और इस पर काफ़ी इंसेक्ट अटैक भी आता है फ्रेंड्स। ये आप देख सकते हैं कि वाइट फ्लाइज इस पर आई हुई हैं पत्तों के ऊपर, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। और ये देखिए ये हमारी ब्यूटीफुल सी हमीलिया यानी फायर बुश प्लांट की कटिंग ग्रो हो चुकी है, और इस पर छोटे छोटे नन्हे मुन्ने से बहुत खूबसूरत कलरफुल लीव्स ग्रो हो रहे हैं। हमीलिया प्लांट की केयर पर भी फ्रेंड्स मैं एक वीडियो बनाऊंगी और आपको दिखाऊंगी। ये हमारे तरबूज के प्लांट पर, बहुत सारे हमारे प्लांटर के अंदर तरबूज के जो पौधे हैं वो ग्रो हो गए हैं। और साथ में ये देखिए ये मॉस रोज की छोटे से डेकोरेटिव प्लांटर के अंदर कटिंग लगी हुई है। ये हमारी बोगनविलिया की कटिंग ग्रो हो चुकी है, आप देख सकते हैं, और इस पर कितना ज़बरदस्त पैटर्न बन रहा है। कोई ये जो चिड़ियाँ होती हैं ना फ्रेंड्स, इनके पत्तों को खा जाती हैं और बहुत खूबसूरत पैटर्न बना जाती हैं, बहुत अच्छा लगता है मुझे इनका पैटर्न भी। और ये देखिए फ्रेंड्स ये हमारा मॉस रोज गुले दोपहरी, और ये इसके साथ बोगनविलिया, और इसकी आप ये देखिए ये इसकी जो कटवर का काम किया है ना चिड़ियों ने और दूसरे जो हमारे पॉलिनेटर्स हैं उन्होंने, बहुत खूबसूरत लगता है। आप इससे परेशान ना हुआ करें, ये जो पत्तों को खाते हैं इससे ज़्यादा अलामिया बरकत देते हैं। मेरी इस कटिंग में जितनी बरकत हुई है वो किसी और में नहीं, क्योंकि इसकी जो है पत्ते वो चिड़ियाँ खाती हैं। तो फ्रेंड्स ये है हमारी पर्सलेन की कटिंग, पूरा गार्डन मेरा एक तरफ, और ये पर्सलेन की कटिंग इस प्लांटर में जो लगी हुई है ये एक तरफ। ये कितना खूबसूरत लगता है मुझे ये प्लांटर। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से इस प्लास्टिक की बोतल के अंदर मैंने ये छोटी छोटी कटिंग लगाई थी पर्सलेन की, और ये देखें कितना घना पेड़ लग रहा है एक छोटा सा मुझे, और बहुत खूबसूरत छोटे छोटे फूल खिलते हैं दिन में इन पर भी, आप देख सकते हैं, और इनकी सीडलिंग भी होती है। फ्रेंड्स ये एक खुदरो पौधा है, इसको आप, ये एडिबल भी होता है, इसको आप सलाद के तौर पर खा भी सकते हैं, इसकी सब्ज़ी भी बनती है।
पालक की तरह बिल्कुल। ये हमारा फ्रेंड्स फिर दोबारा से फाइकस का प्लांट है। मैंने गोल्डन फाइकस के प्लांट्स बहुत सारे लगाए हैं अपने गार्डन में, क्योंकि फ्रेंड्स ये एक छोटे से पेड़ की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं पॉट में ही, और इन्हें ज़मीन में शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये हमारा जो है इलायची का पौधा, जिसे इलायची का पौधा कहकर नर्सरी वाले सेल करते हैं, लेकिन है इसका नाम मिर्टल। फ्रेंड्स ये एक मुकद्दस पौधा माना जाता है, यहूदी किताबों में इसको एक मुकद्दस पौधे का दर्जा हासिल है। इसको मिर्टल कहा जाता है। इस पर छोटे छोटे इलायची की तरह के फ्रूट्स भी लगते हैं, और इसके पत्ते जो हैं वो खांसी का बहुत बेहतरीन इलाज हैं। इसके पत्तों को बॉयल करके इनका जोशांदा भी बनाया जाता है, और कफ़ के लिए बहुत बेहतरीन है ये। अस्थमा के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। आप देखें इस पर छोटे छोटे फ्रूट्स भी ग्रो हुए हुए हैं, और ये इसकी ग्रोथ बहुत अच्छे से तरीके से चल रही है। इस छोटे छोटे प्लांटर्स में मैंने लगाया था, दो एक प्लास्टिक की बोतल में, और ये एक पेड़ की शक्ल इख्तियार कर चुका है फ्रेंड्स। और इसके अलावा मैंने एक बड़ी बाल्टी भी फालतू पड़ी हुई थी, छोटी सी थोड़ी सी टूट गई थी, तो उसके अंदर भी मैंने ये लगा दिया, तो ये एक पेड़ की शक्ल इख्तियार कर चुका है फ्रेंड्स। इस मेरे पास ये कुल चार प्लांट्स हैं, दो मैंने बड़ी बाल्टी के अंदर लगाए थे, और दो प्लांट 12 इंच के गमलों में लगे हुए हैं। एक प्लास्टिक की बोतल कट करके पानी वाली उसमें लगा दिया था। ये फ्रेंड्स मुझे नहीं पता, ये भी एक दरख्त है लेकिन छोटे से प्लांटर में लगा हुआ है। दरख्त का पौधा, ये दरख्त बनेगा बड़ा होके फ्रेंड्स। ये हमारी पर्सलेन और एलोवेरा के प्लांट्स हैं। ये फिर से मिर्टल है। मिर्टल को आप देख लीजिए, आप अपने घर में ज़रूर लगाइएगा। बहुत ही सस्ता पौधा है फ्रेंड्स ये। इसके साथ में जो प्लांट है ये दिन का राजा कहकर मुझे नर्सरी वालों ने दिया था, लेकिन मेरा ख्याल है ये दिन का राजा नहीं है, और ये भी कोई और प्लांट है। और आप इसकी ग्रोथ देखिए, और ये जो बॉटल्स में हमने लगाई थी, मैंने पूरे गार्डन में ही बॉटल्स कट करके उनके अंदर मॉस रोज लगाए हुए हैं। और फ्रेंड्स ये हमारा दिन का राजा है। इसके साथ में जो हमारा प्लांट पड़ा है, इसको यूका कहते हैं, बड़े बड़े लीव्स होते हैं इसके। इसको आज मैं कट करके रीपॉट करूँगी, और ये हमारे दो दो प्लांट्स बन जाएंगे फिर फ्रेंड्स। ये जो घास वगैरह उगी होती है आप इनको ज़रूर प्लांटर्स में से निकाल दिया करें, ताकि ये जो एक्स्ट्रा फीड है हमारे प्लांट्स की वो ना लेती रहें। ये फ्रेंड्स हमारे रात की रानी का पौधा है, जो कि जिसके लीव्स जो है ना गर्मियों में बर्न हो गए थे, तो मैंने इस प्लांट को अच्छे से प्रून आउट कर दिया है। अब इस पर नन्हे मुन्ने नए नए लीव्स भी ग्रो करना शुरू हो गए हैं, जो कि छोटे छोटे बर्ड्स की शक्ल में अभी वो ग्रो होंगे। ये हमारा कड़ी पत्ता का प्लांट है। कड़ी पत्ता के प्लांट को मैंने कटिंग के जरिए ग्रो किया था फ्रेंड्स। कितना लश ग्रीन और बड़ा हो गया है आप देख सकते हैं। इसको पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, हर वक्त इसकी सॉइल जो है ना वो आपने वेट करके रखनी है, तो फिर ये ग्रो होता रहेगा। ज़रा सी भी पानी की कमी हो तो इसकी जो लीफ हैं वो विल्टिंग स्टार्ट हो जाती है, और वो ऐसे ढलक से जाते हैं। यूका प्लांट भी एक छोटे से प्लांटर में लगा हुआ है, और काफ़ी ग्रोथ हो गई है इसकी। बहुत बड़ा दरख्त ये बनता जा रहा है। इसको मैं दो पार्ट में कट कर लूँगी और नए प्लांटर में लगा दूँगी। तो फ्रेंड ये स्टेम कटिंग के ज़रिए बहुत ईजीली ग्रो हो जाता है। हमारे मॉस रोज पर बहुत ज़बरदस्त फ्लावरिंग हो रही है। ये हमारे हैं फर्न, एस्पैरागस फर्न, और ये हमारी एक बॉटल कट करके बच्चों ने इसमें ये गुले दोपहरी लगा दी थी, और अब आप देखिए कितनी ज़बरदस्त तरीके से इनकी ग्रोथ हो रही है। बहुत मोटी मोटी हो गई है इनकी ब्रांचेस। ये हमारे एस्पैरागस फर्न्स हैं, और कितने लश ग्रीन है ये भी। बरसात के मौसम में फ्रेंड्स वैसे ही सारे प्लांट्स बहुत लश ग्रीन हो जाते हैं, चाहे आप इनमें फर्टिलाइज़र ना भी डालें, क्योंकि जो रेन वाटर होता है उसके अंदर ऑलरेडी नाइट्रोजन फील्ड होता है, और काफ़ी नाइट्रोजन होने की वजह से प्लांट जो हैं वो बहुत लश ग्रीन हो जाते हैं। काफ़ी सारे और भी मिनरल्स होते हैं बारिश के पानी में, तो आप अगर इसमें थोड़ा थोड़ा रोज़ फर्टिलाइज़र जो है, रोज़ तो नहीं हर हफ्ते ऐड करें गोबर खाद वाला लिक्विड फर्टिलाइज़र, तो उससे भी उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी। गोबर खाद का लिक्विड फर्टिलाइज़र कैसे बनाना है उस पर भी मेरी वीडियो मौजूद है, आप चाहें तो प्लेलिस्ट में सर्च कर सकते हैं। फ्रेंड्स हमारे इन पेड़ों पर बहुत ज़बरदस्त किस्म के परिंदे आकर बैठते हैं, और सुबह सुबह बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रौनक लगी होती है। ये मुख्तलिफ प्लांट्स रखे हुए हैं जो कि मैंने पेड़ों के नीचे, जिनको छाँव वाली जगह पसंद होती है। ये हमारे खलीफा प्लांट्स हैं, जिसे एकलिफ भी कहते हैं, और इसके साथ में हमारे वही रात की रानी के, और दूसरे जो शनील वाले प्लांट्स कहते हैं इनको, या मोर पंख प्लांट कहते हैं। साथ में ये मैंने जो फर्टिलाइज़र दिए थे सर्दियों में, लिक्विड फर्टिलाइज़र, उनके जो लीमू के बीज थे और माल्टों के बीज थे वो ग्रो हो रहे हैं। ये हमारे गोभी फूल है, और ऑर्नामेंटल जो मैंने पिछले साल सर्दियों में लिए थे, और अभी तक ये सलामत हैं और काफ़ी इनकी अच्छी ग्रोथ हुई है। फ्रेंड ये हमारा लेमन ग्रास का प्लांट है, और साथ में कुछ बाड़ बनाने वाले पौधे भी गमलों में लगे हुए हैं। ये हमारा गुलची है, जो कि ज़मीन में लगाया हुआ है और बहुत बड़ा हो चुका है अब तो। कटिंग के लिए ज़रिए लगाया था फ्रेंड ये भी मैंने। ये हमारी क्रिसेंथिमम की पनीरी लगाई थी मैंने, पनीरी तो नहीं, कटिंग्स लगाई थी छोटी छोटी, तो ये अब ग्रो हो चुकी हैं, और विंटर्स में इन पर फ्लावरिंग होगी। बहुत बड़े बड़े इन पर फूल खिलेंगे, खुशबूदार फूल येलो कलर के।
ये फ्रेंड्स हमारे मिर्चों के पौधे लगे हुए हैं और ये चेयर्स पर बच्चों ने डेकोरेशन की थी गुले दोपहरी की। गुले दोपहरी बहुत ज़्यादा है हमारे घर में। ये देखिए सारी बॉटल्स कट कर करके बच्चों ने इधर लगाई हुई हैं गुले दोपहरी की कटिंग्स। और ये हमारी तरबूज की तरबूज का बीज भी ग्रो हुआ है इसमें रात की रानी वाले पौधे में। और देखिए कितनी बड़ी इसकी बेल हो गई है और इस पर फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गई है येलो कलर की। और बच्चे वेट कर रहे हैं कि कब हम देखेंगे कि तरबूज किस तरह से बनता है इन फ्लावर्स से। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ये हमारे हैं सुख चैन के छोटे छोटे पौधे मैंने लिए थे, काफ़ी सस्ते में मुझे मिले थे। 15 का एक पौधा मिला था और मैंने इनको छोटे छोटे जो भी प्लांटर मेरे पास पड़े हुए थे उनमें लगा दिया था। फ्रेंड ये हमारा सुंबल का पेड़ है, इस पर बहुत ज़बरदस्त किस्म के बर्ड्स आके बैठते हैं। साथ में हमारा पिलकन का और दूसरा जो दरख्त है वो है पीपल का। फ्रेंड्स ये तीन हमारे घर में वैराइटीज़ हैं दरख्तों की, पीपल, सुंबल और पिलकन। बहुत घनी छांव होती है इनकी और इनके नीचे, इनकी वजह से हमारे जो प्लांट्स थे वो गर्मियों में बच गए हैं बगैर ग्रीन नेट के। और दरख्तों के नीचे ही हमने इन प्लांट्स को रख दिया था। फ्रेंड्स ये फिर से देखिए आप क्रिसेंथिमम के पौधे लगे हुए हैं और ये है लेमन ग्रास। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप भी अपने गार्डन में ज़रूर प्लांट्स रखिए। ये हमारा जरबेरा का प्लांट है और ये है हमारा शनील का पौधा जिसे नर्सरी वालों ने कह के दिया था। इसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो रही है फ्रेंड्स। इस पर रेड कलर के और पिंक कलर के बड़े बड़े फूल खिलते हैं। ये मौसमी पौधा है, सीजनल इस पर फ्लावरिंग होती है। और तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको हमारा ये छोटा सा गार्डन पसंद आया होगा और आप भी कुछ मोटिवेट हुए।